हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, विंटर्स में हमारी स्किन हो या हमारे हेयर्स हो या हमारी स्कैल्प हो, तो वो काफ़ी ड्राई हो जाती है क्योंकि विंटर वेदर चेंज है। तो जैसे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन पर वाइट पैचेस हो जाते हैं ड्राइनेस के कारण, उसी टाइप से हमारी स्कैल्प में भी डैंड्रफ वाइट पैचेस हो जाते हैं, जो ये छोटे से लेके बड़ों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लेडीज हों चाहे वो जेंट्स हों, सबको डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो विंटर में फेस करनी ही करनी पड़ती है। इट्स कंपल्शन लगा लो कि विंटर में तो ये प्रॉब्लम सभी को होती है। जरूरी नहीं है कि जब हम अपना हेयर वॉश करते हैं तो वो गर्म पानी से करते हैं तो इस वजह से हमारे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। अगर हम नॉर्मल वाटर से भी हेड वॉश कर रहे हैं विंटर में, तो ऑब्वियसली आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाएगा, डैंड्रफ हो जाएगा, काफ़ी इचिंग होती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है विंटर्स में। तो यहाँ मैं एक ऐसा होममेड लेके आई हूँ ट्रीटमेंट डैंड्रफ के लिए, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली क्या, आप इसमें कुछ लगता ही नहीं है, आप इसे बोल सकते हैं जीरो लगा सकते हैं आप। जो दोनों ही चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल हैं, फर्स्ट जो है लस्सी। लस्सी आपको पता है, बटर मिल्क जिसे हम बोलते हैं, ये जो लस्सी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी होती है। लस्सी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि बहुत टेस्टी होती है। इंडिया में तो ये बहुत फेमस है, इवन ये तो आउट ऑफ कंट्री भी बहुत फेमस है। और सेकेंड जो है वो है लेमन, मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। लस्सी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और पुराने टाइम में आपको पता होगा कि ये देसी चीज़ें ही होती थी, लोग यूज़ करते थे, जैसे खाने में तो यूज़, पीने में यूज़ करते थे, बहुत हेल्दी होती थी, उनकी बॉडी हेल्दी रहती थी। तो बहुत सी लेडीज़ जो थी वो लस्सी से अपना हेयर वॉश करती थी, क्योंकि पहले शैम्पू वगैरह नहीं होते थे, यही लस्सी होती थी, दूध होता था, मुल्तानी मिट्टी होती थी, इन सब चीज़ों से अपना हेयर वॉश करते थे। तो ये आज भी बहुत अच्छी है, उनके बाल कितने अच्छे होते थे, डैंड्रफ वैंड्रफ तो उन्हें पता ही नहीं था कि होता क्या है। ये तो आजकल जो हम ये यूज करते हैं इस वजह से हो जाता है, पहले तो लोगों को डैंड्रफ का पता ही, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। तो अब जो है हम यहाँ लस्सी का यूज करेंगे। लस्सी आपको जितनी ज्यादा खट्टी हो, मतलब काफी पुरानी लस्सी हो जो यूजलेस है, आप पी नहीं सकते, जितनी लस्सी जो खट्टी होगी उतनी ही आपके स्कैल्प के लिए अच्छी होगी। जितनी खट्टी लस्सी होगी वही यूज़ करें आप। ये हमारी घर की लस्सी है, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, काफ़ी खट्टी है, इसीलिए मैं इसको अपने डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रही हूँ। यह आपको अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग ले लेनी है। मैंने हाफ कटोरी से भी कम लस्सी ली है और इसमें मैंने 1 लेमन फुल स्क्वीज करना है। लेमन भी हर वेदर में सबके घरों में मिलता है, बहुत कॉमन सी चीजें हैं ये दोनों ही। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मेरे पास इस टाइम अभी स्पून लाना नहीं याद रहा मुझे, तो मैं ऐसे हाथ से ही इसको मिला के, ये अच्छा सा मिक्सचर बन गया है लस्सी और नींबू का। तो अब आपको करना क्या है, कॉटन डिप करनी है मिक्स करके, और अपने स्कैल्प हाफ पार्टीशन कर लें और अपने स्कैल्प में से लगा लें। अगर कोई है आपकी हेल्प करने वाला तो आप उसी से भी लगवा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना मिरर में देख के खुद अपना कॉटन की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प में। ये श्योरिटी है कि अगर आप इसे वंस इन अ वीक, वीक में आपको 1 टाइम यूज करना, आप इसे 2 टाइम यूज करें, मीन्स 2 वीक यूज करें इसे, तो आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ये बहुत अच्छा है। मार्केट में डैंड्रफ के लिए शैम्पू भी आते हैं, लबोलिया के नाम से एक शैम्पू है, मे बी लबोलिया के नाम से ही है, वो डैंड्रफ के लिए है, बट जब तक उन्हें यूज करते रहो तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद फिर से वही हाल रहता है, फिर से डैंड्रफ हो जाता है। बट अगर आप इसे नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे तो मुझे श्योरिटी है कि
ये सब प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। डैंड्रफ को तो दूर करेगा ही, साथ में जैसे डैंड्रफ होने के बाद काफी इचिंग होती है, काफी खारिश होती है, तो उसे भी दूर करेगा, इचिंग को भी दूर करता है। आपके बालों में एक नेचुरल शाइन आएगी, एक नेचुरल चीज को जब आप यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उतना ही नेचुरल होता है जितनी कि वो चीज नेचुरल होती है। अगर आप नेचुरल चीजें यूज करेंगे तो, मैं तो ज्यादातर नेचुरल चीजें ही यूज करती हूँ, आपने देखा ही होगा बहुत सी वीडियोज में कि मैं जितना भी यूज करती हूँ सब नेचुरल। तो आपको ऐसे ही पूरे स्कैल्प में अप्लाई कर लेना है, अच्छे से अपना दोनों पार्टीशन में अप्लाई कर लें, अगर बच गया तो अपनी लेंथ भी कवर कर लें। तो मैंने जो है ऑलमोस्ट अपने बालों में इसे अप्लाई कर लिया है, और आपको 15 मिनट्स के लिए रखना है इसे, और ऐसे टाई कर लें इसे ताकि जो लस्सी है वो आपके कपड़ों पर ना गिरे, और अपना 15 मिनट्स के लिए रख लें। 15 मिनट्स कोई ज़्यादा नहीं है, और आपको गर्म पानी से अपना हेड वॉश नहीं करना, नॉर्मल वाटर से, यानी ताज़ा अगर जैसे पानी आ रहा है तो आप वो ले लें हेड वॉश करने के लिए, जो बहुत अच्छा रहेगा। 15 मिनट यूज़ करने के बाद आपको कोई शैम्पू कर लें, नॉर्मल शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं वो कर लें, बट कंडीशनर अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे जब आप इसे यूज़ करेंगे तो लस्सी जो है वो आपके बालों को नेचुरल तरीके से कंडीशनिंग का काम करेगी, आपका डैंड्रफ तो दूर करेगी, आपकी इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है, खारिश होती है, उसे भी दूर करेगी, एक नेचुरल शाइन देगी, कंडीशनर का काम करेगी। आप इसे जरूर ट्राई करना, मैं तो इसे जरूर ट्राई करती हूँ, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, डैंड्रफ के लिए इसे जरूर ट्राई करें। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।